नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से तीन काम हैं जो आपको इसी समय करने ताकि जब अगली साल आप कपास की खेती करो तो उसमें आपको गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो कम देखने को मिले। तो उसमें किसान भाइयों तीन मुख्य काम है वो जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला जो बात आता है कि लकड़ियों के भंडारण के ऊपर, वैसे तो जनरली क्या होता है, सिफारिश की जाती है भी आप अगर गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपके खेतों के अंदर ज़्यादा है तो उन लकड़ियों को आप खेतों के अंदर भंडार ना करें, उन लकड़ियों को खेत से दूर ले जाके कहीं भंडार करना भी है तो उन लकड़ियों को आप झाड़ के उनके अंदर किसी भी तरह का कोई टिंडे, जो भी हरे टिंडे बचे हुए हैं वो ना रहें, टिंडे बिल्कुल झाड़ के फिर ही आपको भंडार करना है किसान भाइयों। पर जो बड़े फार्मर हैं या जो भी जो मौजूदा अपने एरिया के जो हालात हैं, अगर हम सिरसा के हिसार की भिवाणी की अगर हम बात करें, हनुमानगढ़ गंगानगर में, तो लेबर की तो बहुत बड़ी समस्या है, तो जड़का पाना और एक एक टिंडा तोड़ के तो कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। थोड़ा जो मेहनती किसान है वो शायद कर लेंगे, पर जो ज़्यादा मेहनती नहीं कर सकते, जो मेरे जैसे कुछ किसान भाई होंगे वो जितनी मेहनत भी मत्ताफची ज़्यादा नहीं करनी अपने को, या लेबर की बड़े फार्मर है लेबर की दिक्कतें आ रही है, या जिनका गुलाबी सुंडी से ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और वो अब अलग से लेबर लगाएंगे तो उनका और खर्चा बढ़ेगा, तो वो किसान भाई क्या करें। तो उनके लिए मैं किसान भाइयों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको लकड़ियाँ भंडार करनी है, क्योंकि मुझे पता है अभी ज़मींदार के घरों में लकड़ियों के बिना काम नहीं चल सकता, हमें पूरे सीज़न में लकड़ियाँ चाहिए क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, गर्म पानी करने के लिए भी हमें लकड़ियाँ चाहिए, पशुओं का जो भी खाना बना रहे हैं उसके लिए भी हमें लकड़ियाँ चाहिए, खुद की रोटियाँ बनाने के लिए भी लकड़ियाँ गाँव के अंदर प्रयोग होती है चूल्हों के अंदर, तो लकड़ियाँ तो हमें चाहिए, हमारी एक बेसिक नीड है, इनको हम नहीं कर सकते, भंडार तो हमें करना ही करना पड़ेगा। पर अल्टरनेट ऑप्शन क्या है अगर हम गुलाबी सुंडी का जो जीवन चक्र है उसको तोड़ना है, तो किसान भाई उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही अभी आपने चुगाई अपने कपास के खेतों की कर ली, करने के बाद जो हरे टिंडे आपके खेतों के अंदर बचे हुए हैं, ये जिसे देख पा रहे हो, आप भी खेत के अंदर जाओगे तो आपको देखेंगे हरे टिंडे तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं अभी भी, क्योंकि वो खिलने तो है नहीं क्योंकि उनमें गुलाबी सुंडी है। तो आपको क्या काम करना है कि जैसे ही आपने लकड़ियाँ काटी, काट के खेत के अंदर छोड़ देना है। काटने के बाद आपको क्या करना है कि आपके गाँव के अंदर कुछ लोग हैं जो भेड़ बकरियाँ रखते होंगे, या राजस्थान से कुछ किसान भाई इन सीजन के अंदर, इन दिनों के अंदर जो गायें का झुंड लेके आते हैं उसमें 100-200 गायें होती है, तो उनको बुलाइए और अपने खेत के अंदर चराइए जहाँ आपने कॉटन के लकड़ियाँ डाल रखी है। तो जब आप उनको चराओगे तो क्या है कि वो जितने भी हरे टिंडे होंगे ना वो सारे के सारे हरे टिंडे खा जाएगी। जैसे आप अभी स्क्रीन के अंदर देख पा रही हो, किसान भाई क्या अपने खेत के अंदर भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं, और जो ये भेड़ आपको दिख रही है बकरियाँ, जो ये क्या काम करिए कि सिर्फ जिन टिंडों के अंदर गुलाबी सुंडी है केवल उन्हीं को ही खा रही है, उसके अलावा ये कोई चीज़ नहीं खा रही, मतलब जो हरे टिंडे बचे हुए हैं ना उन्हीं को ही खा रही है, उसके अलावा ना पत्ते खा रही, कोई चीज़ नहीं खा रही, तो कितना फ़ायदा हो रहा है किसान। देखिए भी आपका भी जो टिंडे हैं वो सारी ये ख़त्म करिए, और उसके बाद में आप क्या कि आसानी से इसका जो भंडार है वो आप किसान भाइयों कर सकते हो। तो इसके द्वारा क्या कि अगर ये टिंडे नहीं बचे होंगे, बिल्कुल खाली लकड़ियाँ होगी ना, तो इसके द्वारा गुलाबी सुंडी आपके अगले सीजन में आपको कम तंग करेगी। अगर आप भंडार भी कर रहे हो तो कोई खतरे वाली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनके अंदर गुलाबी सुंडी तो इसके अंदर ही बैठी हुई है, तैनी भी टहनी के अंदर है, पत्तों के अंदर, ऐसा तो है नहीं, वो टिंडे के अंदर ही बैठे। टिंडे क्या है कि जो खेत के अंदर आपने भेड़ बकरियाँ चराई है, गायें चराई हैं, वो सारे खा गई, तो टिंडे तो बचे नहीं हुए, तो क्या है कि आप काफ़ी हद तक क्या है कि गुलाबी सुंडी का जो जीवन चक्र है वो आपने तोड़ दिया, कोई इक्का दुक्का कहीं बची होगी तो वो अगले सीजन तक जाएगी, पर जो बड़ा बड़ा जो माल था वो आपने यहीं ख़त्म कर दिया है किसान भाइयों। तो पहला तो काम ये था भी अगर आप भंडार करना चाहते हो तो खेत के अंदर भेड़ बकरियाँ हैं, गायें हैं, वो आप एक बार अवश्य ज़रूर चराएँ। जितना आपका एरिया, अगर एक 5-7 एकड़ है तो आप पूरे दिन लगा लीजिए, एक आधा एकड़ है तो घंटे 2 घंटे चरा लीजिए, इतने में क्या बड़ा बड़ा वो आपका साफ कर जाएगी किसान भाई, उसके बाद में आप अपना भंडार कर सकते हो किसान भाई। अब बात आती है कि कुछ किसान भाई कह रहे हैं मैं तो खेत में नहीं, मैं तो गांव में भंडार करनी, मैं क्यों चराऊं। तो किसान भाइयों, गांव के पास भी किसी किसानों के खेत लगते होंगे तो हमें उनकी तरफ भी देखना है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा गाँव के आसपास आजू बाजू में, या जो खेतों में जो लोग ढाणियों में रह रहे हैं उनके ढाणियों के आजू बाजू में आप देखोगे तो गुलाबी सुंडी का जो नुकसान बहुत ज़्यादा था, तो हमें उन किसानों की तरफ भी देखना है भी जो गांव के पास लगते हैं, हमें अपना नहीं सबको साथ लेके चलना है किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है कि कहीं भी आप लकड़ी भंडार कर रहे हो तो जो भेड़ बकरियां एक बार अपने खेतों के अंदर जरूर चराइए, ताकि जो भी हरे टिंडे बचे हुए हैं, जो टिंडे हैं वो टिंडे ज़्यादा से ज़्यादा खा सके उनको अगर खेत में आप चराओगे, और अगर वो चरेगी किसान भाइयों तो आपको क्या है कि टिंडे सारे खागी, तो फिर आप लकड़ियों को, खाली लकड़ियों को भंडार करिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है किसान भाइयों। वो झड़काना और वो काम सब उसी में आ जाते हैं, क्योंकि झड़काना किस लिए झड़काते हैं, ताकि जो भी हरे टिंडे लगे हुए हैं सब नीचे गिर जाए झड़के,
उसके बाद में केवल लकड़ियां लकड़ियां बचे जो आपको भंडार करनी है। भेड़ बकरियां चरा के भी आप इनका जो टिंडे हैं वो आप खत्म कर सकते हो। टिंडे खत्म हो गए तो समझो कि गुलाबी सुंडी भी खत्म हो गई आपके खेतों के अंदर किसान भाइयों। अब दूसरे काम पे आते हैं। तो दूसरा जो काम है किसान भाइयों है कि कुछ किसान भाई कह रहे हैं जी मेरे को तो 10 एकड़ में कॉटन लगा रखा है, अब मैं तो केवल 5 एकड़ की जो लकड़ियां वो भंडार करूँ, 5 एकड़ की जो लकड़ियां बची उनके लिए क्या करूँ। तो उनको मैं कहूँगा किसान भाइयों दो ऑप्शन है उनके लिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि आजकल भट्टे वाले आते हैं तो वो क्या आपकी लकड़ियां आपके खेत में आएंगे, लकड़ियां काट के ले जाएंगे ट्राली में डाल के बिल्कुल बारीक करके उसको वो जला देते हैं। तो एक काम तो आप वो कर सकते हो किसान भाइयों। अगर वो काम आपके नहीं आपको नहीं मिल रहे हैं, वो लोग भी कौन है आप में हमारे एरिया में नहीं आ रहे, तो वो किसान क्या कर सकते हैं कि रोटावेटर के सारे जो आपकी कपास की लकड़ियाँ हैं उन्हें मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं। अब बात आती है कि क्या मिट्टी के अंदर मिलाऊंगा तो इसकी खाद कितने लगने वाली है, क्या गेहूं की बिजाई में ये समस्या पैदा करेगा, या जिस खेत के अंदर मिलाऊंगा वहाँ गुलाबी सुंडी अगले साल मेरे ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। तो तीनों सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा किसान भाइयों। पहला बात है कि क्या इसको मिलाने से खाद कितनी लगने वाली है। तो किसान भाइयों ये बहुत बड़ा खाद का एक भंडार है किसान भाइयों। जितनी खाद सीजन में इसको दी 50-60% तो टिंडों ने निकाल ली, ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर भी बची हुई है अभी भी, चाहे आपने फॉस्फोरस दियो नाइट्रोजन दियो पोटेशियम वो इसके अंदर ही मौजूद है। तो क्या जैसे आप इसके अंदर मिट्टी के अंदर मिलाओगे तो मिट्टी के अंदर वापस चली जाएगी भाई, और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। जिन खेतों के अंदर आपकी लकड़ियां मिक्स करके गेहूं की बिजाई करोगे इनके ऊपर, या एक दूसरा जो अन्य खेत है जिसके अंदर आपने लकड़ियां नहीं मिलाई उनकी आप ग्रोथ देखना गेहूं की, भी आपको खुद भी खुद पता चल जाएगा भी हाँ दोनों की ग्रोथ है वो बहुत, दोनों दिन रात का अंतर देखेगा, जहाँ नहीं मिला रखी वहाँ ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, जहाँ मिला रखी है वहाँ गेहूं की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। अब दूसरी बात आती है कि क्या ये कोई समस्या पैदा करेगी गेहूं की बिजाई में, हो सकता है दीमक ज़्यादा फैला दे क्योंकि लकड़ियाँ मिट्टी के अंदर मिला रहे हैं, हो सकता है उस खेत में दीमक काटा के अगले साल ज़्यादा बढ़ जाए या कुछ अन्य कोई समस्या हो। तो किसान भाइयों दो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, आप बेझिझक होके जो इसकी जो कॉटन की लकड़ियाँ उनको आप मिट्टी के अंदर मिला सकते हो। क्योंकि बाहर भी आपने देखा होगा किसान भाइयों कि जैसे आप बाहर स्टोर करते हैं तो उसमें क्या है कि फरवरी या मार्च तक क्या लकड़ियों का बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, लकड़ी ऑटोमेटिक ही गल जाती है क्योंकि जो बेटे की जो लकड़ियां आती है ये इनमें ज़्यादा पावर नहीं होती, बाहर जैसे आप इसको डालोगे तो ये धूप की वजह से डीकम्पोज होनी शुरू हो जाती है अपने ऑटोमेटिक गलने लग जाती है। तो वो आपको डरने की जो इतनी मिट्टी में आप मिलाओगे तो क्या है कि बिल्कुल गल जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, 2-3 महीने बाद आप देखोगे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो आपको मिट्टी में पता ही नहीं इसके खेत के अंदर मिलाई। और खाद बहुत अच्छा काम करती है किसान भाइयों, ऐसे लगेगा भी आपने गोबर की खाद डाल, जितना काम आपके गोबर की खाद करती है किसान भाइयों उतना ये कपास की लकड़ियाँ आपके ज़मीन के अंदर करेगी किसान भाइयों। तो आपको मिट्टी के अंदर मिलाना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है किसान भाइयों। अब बात आती है कि ठीक है बिजाई में कोई समस्या पैदा नहीं कर रही, बिजाई अच्छे से हो रही है, गेहूँ की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, दिमक का अटैक क्या हो सकता है? दिमक का अटैक एक केस में हो सकता है किसान भाइयों कि जैसे अभी किसी किसान भाई के खेत के अंदर उखेड़े की समस्या आ गई, पूरा का पूरा खेत खाली हो चुका है, वो किसान भाई अपने खेत के अंदर जाएगा पौधा उखाड़ के देखेगा, उखाड़ के देखेगा तो क्या है कि उसके जड़ के अंदर उसको कहीं ना कहीं दिमक देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे खेत अभी चेक किए हैं तो मुझे बहुत सारी जगह दिमक का जो अटैक है वो भी देखने को मिला है। हाँ दिमक का अटैक है कम, ज़्यादा दिक्कत तो रूट की है, पर दिमक का भी कहीं कहीं देखने को मिला है। तो वो भी किसान भाइयों जैसे आप क्या है कि वो अगर लकड़ियां जी उन खेतों के अंदर आपको हो सकता है जहाँ दिमक का अटैक अभी आप लकड़ियों के अंदर आपको जड़ों में देखने को मिल रहा है, उन खेतों में हो सकता है आपको गेहूं के सीजन में का जो दिमक का जो ट्रीटमेंट है वो आपको करना पड़े किसान भाइयों। पर मिलाने से या उस चीज़ से इसका कोई लिंक नहीं जिस खेत में अभी भी दिमक है, क्योंकि अगर आप मान लो उस खेत के अंदर आप कह दो मैं तो नहीं मिलाता मिलाने से मेरे दिमक ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस खेत में तो ऑलरेडी उखेड़ा रखा है और लकड़ियाँ काटोगे लकड़ियाँ क्या काटोगे, लकड़ियाँ तो ऊपर से काटते हो, जड़ तो फिर भी मिट्टी के अंदर रहते हैं, दिमक क्या है ऊपर तो है नहीं, जड़ के अंदर ही है दिमक, तो दिमक जड़ तो वहीं रह रखी है, लकड़ियाँ ऊपर से काट के आपने भंडार कहीं कर दी, जड़ तो अंदर ही रही मिट्टी के, और खेत में अंदर मिलाओगे तो वो मिट्टी के अंदर ही रहनी है, तो उसका ट्रीटमेंट तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। पर इसके साथ कोई लिंक नहीं है किसान भाइयों, कहीं आप सोचो भी इसको अगर मिट्टी में मिलाएंगे लकड़ियों को तो ज़्यादा दिमक आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिमक की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ जिस खेत में पहले ही दिमक है उसमें चाहे आप मिलाओ चाहे ना मिलाओ उसके लिए तो आपको ट्रीटमेंट आगे करना ही करना पड़ेगा गेहूं के सीजन में, क्योंकि वो थोड़ा बहुत समस्या आपके पैदा कर सकती है, और दिमक इतनी कोई बड़ी बला नहीं है, एक आधा ट्रीटमेंट अगर कहीं करना भी पड़ेगा आपको जहाँ ज़्यादा दिक्कत है तो वो कंट्रोल आ जाती है आसानी से, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो किसान भाइयों दो पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए कि आपको क्या करना है, कि अगर भंडार करना है तो किस तरीके से करना है, अगर भंडार नहीं करना तो लकड़ियों का जो व्यवस्था है वो आपको कैसे करनी है। अब तीसरी जो बात आती है किसान भाइयों वो आपकी ये है कि अगले साल अगर मैं भेड़ बकरियाँ नहीं चरा रहा हूँ तो अगले साल अगर मैं इसको भंडार करने के लिए लेके जा रहा हूँ तो कितना नुकसान कितना रिस्की कितना गया ये काम। तो किसान भाइयों मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही रिस्की काम है, अगर आप भेड़ बकरियाँ भी खेतों के अंदर नहीं चरा रहे
ये हरे टिंडे हैं बहुत ज्यादा लगे, और इन्हीं लकड़ियों काट के सीधा आप खेत के अंदर ढेर मार रहे हो, भंडार आप खेतों के अंदर कर रहे हो किसान भाइयों इन्हीं लकड़ियों का सीधा, तो आप बहुत बड़ा एक रिस्क है वो अपने खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी को लेके पैदा कर रहे हो किसान भाइयों। क्योंकि देखो किसान भाइयों, कुछ किसान भाई कह रहे हैं भी मुझे कॉटन नहीं लगानी। चलो आपको नहीं लगानी, हो सकता आपके पास अच्छे सोर्स हैं, आप धान लगा सकते या कोई अन्य फसल, हो सकता आपका पड़ोसी तो कॉटन लगा रहा होगा, तो हमें उसकी तरफ भी देखना है किसान भाइयों। हमें अपना अकेला खुद का नहीं देखना, हमें सभी खेत पड़ोसियों को साथ लेके चलना है, और सभी किसानों ने एकजुट होकर जो भी काम करना है वो सभी किसान भाइयों ने मिलजुल के करना है। हमें अकेला अपना नहीं देखना, सब मिलजुल के करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से हल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो मैं तो आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जो भी मैंने दो काम आपको बताए हैं किसान भाइयों, वो तो आपको हर हाल में करना ही करना है। तीसरी जो बात आती है कि रिस्क, तो आपको मैंने बता ही दिया भी रिस्क इसका किसान भाइयों बहुत ज़्यादा है। अगर सीधा आप भंडार करोगे तो आपके लिए बड़ा रिस्क है। हाँ, अगर भंडार आपने कर भी लिया तो आप एक बात दिमाग में जरूर ध्यान रखें कि जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो गया उस समय आप अपने जहाँ पर लकड़ियाँ भंडार करने, लकड़ियों को उठा के या तो उनको जला दो, या अगर जला नहीं सकते आपको आगे चाहिए तो उनको ढक के रखिए, या उनके आजू बाजू में फेरोमोन ट्रैप आपको लगाने हैं सीजन में, तो उसके लिए मैं आगे आपको एक वीडियो वो आपको डाल दूंगा जब सीज़न आएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुँच पाए। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि किसान भाइयों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब करने से हमें इतनी पावर मिलती है कि आप बस सोच नहीं सकते, और हम इतना मोटिवेट होते हैं कि हम आपके लिए कुछ और अच्छी जो वीडियो है, अच्छी अच्छी जो जानकारी है वो आपके लिए लेके आएँ हमारे चैनल के ऊपर, ताकि आपको हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से पता हो और अपने खेतों के डॉक्टर आप खुद बन सको, किसी दूसरे बंदे की आपको जरूरत ना पड़े किसान भाइयों। धन्यवाद।